चलिए, तो ये विजिबल है प्रेजेंटेशन, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। आज 10 लक्षण महापर्व के दौरान हम तप और त्याग, इन दो धर्मों की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान महावीर ने जब धर्म की को परिभाषित किया था, तब उन्होंने तपस्या को भी धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग माना है। जैसा कि कहा है कि अहिं धम्मो मंगल मुक्तिट्ठम अहिंसा संयमो तवो। तप जो है वो धर्म का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, और जैन धर्म की पहचान भी तपस्या के कारण से दूसरे लोगों में बनी हुई है। कहा जाता है कि अकबर के समय में एक लेडी ने 30 की तपस्या की थी, मांसकमंड जिसे कहा जाता है, और जब उनका जुलूस निकल रहा था तो अकबर ने उसे देखा और कहा कि इस तरह का ये क्या हो रहा है, एक लेडी जिसको कि तैयार मतलब सजा करके और सभी लोग उसके पीछे चल रहे हैं बैंड बाजे के साथ में, तो ये क्या प्रसंग है। तो पता चला कि जैन धर्म में इस तरह से 30 30 दिन की भी तपस्याएं की जाती है और केवल जल के आधार पर रहा जाता है। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा हो नहीं सकता है, 30 दिन तक कोई व्यक्ति कैसे भूखा रह सकता है, और दिखने में चेहरे पर कुछ भी नहीं लग रहा है कि कोई 30 दिन का इसका तप है, इतने दिनों से ये भूखी है। तो उसके मन में था कि ऐसा नहीं हो सकता है, इतने दिन कोई भूखा नहीं रह सकता है, कहीं ना कहीं कुछ खाती होगी, तो इसका परीक्षण किया जाना चाहिए। और उन्होंने राज कर्मचारियों के माध्यम से उस महिला को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि आप तपस्या कर रही है, परंतु हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ अतिथिशाला में कुछ 1 2 दिन ठहरो, हम भी देखना चाहते हैं कि आपका तप किस तरह से चलता है। और उन्होंने एक तरह से गुप्त रूप में कुछ योजनाएं बना रखी होगी कि उसको चेक किया जाए कि वो रात्रि में तो कुछ नहीं खाती है, या कोई अनुपस्थित होता है इनकी लोगों के एब्सेंस में तो कुछ नहीं खाती है, और देखा कि वास्तव में कुछ नहीं ले रही है, तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। और तब से कहा जाता है कि जैन धर्म के प्रति उनकी बड़ी आस्था हो गई थी कि इस तरह का भी ये धर्म होता है जिसमें कि लोग बिना कुछ खाए भी रह जाते हैं। तो तपस्या किसे कहते हैं, वो तो दोनों ही दो तरह के नए होते हैं, दो दृष्टियां होती है जिससे हम जैन धर्म के हर सिद्धांत को, और विशेष रूप से जिनको हम प्रैक्टिस करते हैं, जिन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, उनको दो एंगल से समझा जा सकता है। और वो पहला एंगल है निश्चय नय, और दूसरा एंगल है व्यवहार नय। यानी बाहर में प्रैक्टिकल रूप में लोगों को क्या, किस रूप में वो चीजें समझ में आती है, और उसका मूल उद्देश्य क्या होता है। तो जो मूल उद्देश्य है वो निश्चय दृष्टि से हमको समझ में आता है, और उसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप है बाहर में, जिससे कि लोग ये समझ पाए कि वास्तव में उसने तपस्या की है, तो उसका कोई स्वरूप होना चाहिए कि वो कुछ नहीं खा रहा है, ऐसा कुछ तरीका होना चाहिए। तो इसलिए तप के रूप में तपस्या के बहुत सारे प्रकार हैं, उन प्रकारों की साधना जैन धर्म में होती है, और विशेष रूप से पर्युषण पर्व और 10 लक्षण महापर्व के दौरान तो हजारों हजारों कहना चाहिए कि लाखों की संख्या में लोग इस तरह के तप के अनुष्ठान करते हैं, और वर्ष भर भी किए जाते हैं। वर्ष तप के रूप में पूरे वर्ष के लिए कुछ तप के अनुष्ठान किए जाते हैं, कई तरह के वर्धमान तप होते हैं, भक्तामर आराधना तप होता है, कई तरह के तप के अनुष्ठान छोटे बड़े बहुत सारे होते हैं। नौकारसी का तप तो करते ही हैं कम से कम बहुत सारे लोग, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। सो तप के अनेक प्रकार हैं, छोटे और बड़े, बहुत सिंपल तरीके भी हैं तपस्या करने के, बहुत कहना चाहिए कि बहुत ऊंची तपस्याएं भी होती है। उन सब तप के अनुष्ठान को जैन धर्म में किया जाता है और हजारों लाखों लोग करते हैं। तो तप को किस तरह से, धवला जो टीका है षटखंडागम की, उसमें कहा जाता है कि तप को डिफाइन करते हुए कहा गया है कि टू कंट्रोल डिजायर्स इज ऑस्टेरिटीज, है ना। हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं, खाने की इच्छा हो चाहे किसी और प्रकार की भौतिक इच्छाएं होती है, उन पर अगर हम नियंत्रण करने में सक्षम बनते हैं तो वो तप है वास्तव में। कुछ लोग केवल आहार का संयम करते हैं,
और इच्छाएं अगर उनके अंदर बनी रहती कि मैं तपस्या इसलिए करूं कि एक लोगों में इससे प्रतिष्ठा होती है, ये नाम होता है, या लोग उसका उनका सम्मान अभिनंदन विशेष करते हैं, इस भावना से अगर कोई तप करता है तो उसके अंदर में तपस्या तो करने का भाव है, साथ साथ में कुछ इच्छाएं भी है, तो उस तरह की इच्छाओं से मुक्त होकर के तप करना आवश्यक है। यद्यपि जो भी लोग तपस्या करते हैं वो आत्मशुद्धि के लिए ही करते हैं, कोई दिखावे के लिए नहीं करते हैं या कोई सम्मान पाने के लिए नहीं करते हैं, लोग में या समाज में प्रतिष्ठा हो इस उद्देश्य से नहीं करते हैं। कोई तपस्या करना कोई मजाक तो होता नहीं है, भूखा रहना कोई सरल काम नहीं होता है, जिसके मन में उत्कट आत्मशुद्धि का भाव न हो तो वो तपस्या नहीं कर सकता है। सो इसलिए तपस्या का आज हर्षा बहन भी आए हैं बिल्कुल बराबर सुनते हैं हर्षा बहन। आज तपस्या की हम जो बात कर रहे हैं कि निश्चय नहीं से तपस्या उसको कहते हैं कि हमारे भीतर जो इच्छाएं हैं, चाहे वो आहार की इच्छा हो चाहे अन्य कोई भौतिक इच्छाओं हो, अगर हम उन इच्छाओं पर विजय पाने में समर्थ होते हैं तो वो वास्तव में तप कहलाता है। भोजन का हम कुछ दिनों के लिए तो त्याग कर देते हैं, किंतु भोजन के प्रति हमारी जो आसक्ति है उसका त्याग नहीं होता है ना, वो कभी नहीं छूटती है। हाँ, जैसे ही तपस्या पूरी होती है वैसे ही खाने की इच्छा हो जाती है, कई लोगों को तो ऐसी इच्छा हो जाती है कि अचार भी खाने के मन में आता है, जबकि तपस्या बड़ी जब भी की जाती है तो खट्टा खाने का सबसे बड़ा निषेध किया जाता है, क्योंकि उससे पूरे शरीर में स्वेलिंग होने की संभावना रहती है, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है खट्टा खाने से। खाने की इच्छा तपस्या 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन कर लेंगे, पूरे महीने के लिए भी कर लेंगे, किंतु उसकी बाद में अपने ऊपर नियंत्रण रखना, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना, ये थोड़ा कठिन होता है। एक डिमांड भीतर से हमारे होती रहती है, उस डिमांड के हिसाब से फिर व्यक्ति जो है खाने का सोचता है। बट हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग पहले से सिखा देते कि तपस्या जब करोगे तो 7 दिन आपको थोड़ा सा पूरा ध्यान रखना होगा, नहीं तो उल्टा समस्या हो जाएगी कुछ। तो तपस्या जो की जाती है उसमें आहार का त्याग किया जाता है, किंतु आहार के त्याग के साथ साथ आहार की आसक्ति का भी अगर त्याग हो जाए तो काफी कुछ हमारा, हम तपस्या तो कुछ लंबे समय की तो कुछ दिनों के लिए कर सकते हैं, पूरे वर्ष भर तो बिना खाए नहीं रह सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर धरती पर रहना ही मुश्किल हो जाएगा उस कंडीशन में। परंतु आहार के प्रति जो आसक्ति होती है उस आसक्ति को अगर कम कर दिया जाए तो हर दिन ही हमारा तप होता रहता है, खाते पीते भी आपकी तपस्या होती रहती है। आसक्ति का त्याग करना बहुत जरूरी है, और आसक्ति का त्याग करने के लिए जरूरी है कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से ये सोचे कि जितना हम संयम करते हैं उतना हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। ये नहीं कि हम बाहर से आहार नहीं कर रहे तो इससे आत्मा का क्या कनेक्शन है, आत्मा का कनेक्शन तो इन्हीं चीजों से है ना, कि आपका बाहर की चीजों के प्रति कितना अटैचमेंट है उसको ही तो कम करना है, राग भाव को ही तो कम करना है आपको। और जब पदार्थों का हम सेवन करते रहते तो उसके प्रति हमारा अटैचमेंट भी बना रहता है, पदार्थों को जितना भोगो उतना भोग की इच्छा बनी रहती है, वो समाप्त नहीं होती है, उल्टी अतृप्ति होती रहती है ना, हम सेटिस्फाइड होते ही नहीं है। एक इच्छा को पूर्ण करने के बाद ये नहीं होता है कि अब ये तो इच्छा पूरी हो गई, अब मुझे नेक्स्ट कुछ नहीं करना इच्छा करना है, उल्टी उससे बड़ी इच्छा पैदा हो जाती है। तो इच्छाओं का त्याग करना ये एक प्रकार से राग भाव को कम करने का एक प्रयास है, प्रयत्न है। आप पदार्थ के बीच रहते हुए सोचे कि मैं त्यागी हो जाऊं तो ऐसा थोड़ा कम संभव है, हो सकता है किसी किसी के केस में, भरत चक्रवर्ती जैसे है ना महान आत्माओं के केस में ऐसा संभव है कि वो सखंड का साम्राज्य करते हुए भी अनासक्त रह गए, किंतु हर कोई व्यक्ति तो ये संभव ही नहीं है। जितना बड़ा मकान उतना भाव अंदर में आता है कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूं, मेरे पास इतना बड़ा मकान है, उल्टा एक ईगो और हो जाता है साथ में ऐड हो जाता है, ठीक है ना, प्रतिष्ठा सम्मान तब जहां हो जाती है कि भाई मैं इतना बड़ा रिच आदमी हूँ, मेरा सम्मान उस रूप में ही होना चाहिए, समाज में मेरा पद मेरी पोजीशन वैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पदार्थ बढ़ने के साथ में दूसरी चीजें भी दिमाग में बढ़ती चली जाती, इसलिए पदार्थ का संयम करना भी बहुत आवश्यक है, ताकि वो चीजें हो ही नहीं तो अहंकार भी ना पैदा हो, पदार्थ होगा तो अहंकार भी पैदा होगा। इच्छाओं के परित्याग को मूलतः तप कहा जाता है, जितना आप इच्छाओं का परिसीमन करते हैं। और उसके लिए आहार त्याग क्यों ही, आहार का त्याग करना ही क्यों जरूरी है,
तो भगवान महावीर ने कहा कि जितना व्यक्ति वो भोग करता है उतना उतना वो कर्म के बंधन से बढ़ता जो है वो बंधन उसका बढ़ता रहता है। वो लो ले वो हो ही भोगेशु, जो भोगों में लिप्त रहता है ये वो कर्म के बंधन भी करता है और साथ साथ में उसके अंदर कुछ और दूसरी वासनाएं भी पैदा होने लगती है। इमोशंस भी उसी के अंदर जनरेट होते हैं जो आहार पर संयम करना नहीं जानता है। पदार्थों को जब खाएगा तो उसका मांस जो है वो बॉडी का जो मांस है जिसको आप फ्लैश कहते हैं सपोज ब्लड है ये सब बॉडी के अंदर बढ़ेंगे और ये तत्व जब धातुएं ज्यादा बढ़ती है शरीर में तो वो इमोशंस को भी जनरेट करती है साथ। समझ में आया ना? स्वभाव शुद्धि के लिए जरूरी है आहार का संयम करना भी जरूरी है। जितना आप उपवास तपस्या वगैरह करते हैं आप देखते हैं कि आपके अंदर वो इमोशन नहीं होते जो जनरल आप खाते पीते आपके अंदर होते हैं या हमारे अंदर होते हैं, है ना? अपने आप ही रुचि नहीं होती टीवी देखने की, कोई सीरियल देखने की, कहीं घूमने जाने की इच्छा ही नहीं होती है, अपने आप हो जाता है ऐसा। तो आहार का त्याग करने से हमारी इच्छाओं का त्याग होता है, इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। इच्छाओं पर नियंत्रण होने से या शरीर का जो मांसल कहा जाता है कभी कभी कि साधु के लिए इसीलिए विहार का जो है विधान किया गया है कि अगर उसको लगता है भोजन करता है और वो अगर एक स्थान पर रहता है तो उसके अंदर भी वासनाएं जनरेट हो सकती है, इसलिए उसको चलते रहना जरूरी है ताकि जो भी वो भोजन करता है उसकी कैलोरी का यूज होना चाहिए, बॉडी में कैलोरी ऐड नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर इमोशंस को जनरेट करती है। तो ज्यादा मांसल भा शरीर होता है तो वो भी खतरनाक होता है साधु के लिए भी, तो आम व्यक्ति की बात तो क्या करें, है ना? सो इमोशंस की बात है, ये हमारे मैं आपसे बता रही हूँ कि आहार का किस तरह से हमारे इमोशंस के साथ संबंध है और इमोशन का हमारे कर्म बंधन के साथ बड़ा रोल है। कर्म बंधन का मूल कारण क्या है? कषाय, है ना? मिथ्यात्व का कारण क्या है? कषाय, अनंत आनंदी कषाय, जब तक विद्यमान है तब तक जीव में मिथ्यात्व बना रहता है, संसार चक्र में वो परिभ्रमण चलता रहता है उसका। तो कषाय ही सारे रोगों की जड़ है, चाहे हमारे आध्यात्मिक जो समस्याएं हैं, चाहे हमारी फिजिकल समस्याएं हैं, चाहे हमारी इमोशनल टर्मोइल्स की बातें, इन सबका कषाय से ही संबंध है। कषाय पर नियंत्रण करने के लिए आहार पर नियंत्रण करना भी आवश्यक होता है। हाँ, परंतु हम हर चीज नहीं छोड़ सकते, हेल्थ के अनुकूल चीज लेते हैं तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि तप का मतलब आहार का त्याग ही नहीं आहार का संयम भी करना है। तपस्या के जो चार प्रकार 12 प्रकार बताए जाते हैं उसमें फर्स्ट चार प्रकार क्या है? अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी और रस परित्याग। इन चार का संबंध किसके साथ में? आहार के साथ में ही है। तप को, और तप मतलब क्या है? आत्मा को तपाना है। आप बाहर से आहार का संयम कर दे तो आत्मा में भी एक जो है ताप पैदा होता है ना? उस ताप से कर्म का दहन होता है, इसलिए तपस्या को कहा जाता है कि ये अग्नि है एक प्रकार से, अंदर में ताप को जनरेट करती है और उस ताप से कर्म जलते हैं, नष्ट होते हैं, निर्जरा होती कर्मों की। ठीक है, तो इसलिए तपस्या की जाती है। आम व्यक्ति जो है ध्यान में मन सबका नहीं लगता है, ध्यान तपस्या से आगे की स्थिति है और वो भी एक तप का ही प्रकार है, उस आगे का हायर जो है वो टाइप का जो तपस्या है, परंतु उसको हर कोई नहीं कर पाता किंतु तपस्या तो हर कोई कर लेता है। जो उपवास छोटे मोटे तप ये हर के लिए इजी है, ध्यान में मन लगे या ना लगे। तो ध्यान और तपस्या ये दोनों ही एक तरह से अग्नि के रूप में माने जाते हैं और इनके द्वारा कर्म की निर्जरा होती है। तपसा निर्जरा च, है ना? तप के द्वारा निर्जरा होती है। क्लियर? सो तपस्या निर्जरा का बहुत बड़ा साधन है। निर्जरा आत्मशोधन का एक उपाय, एक प्रक्रिया है, ठीक है, आत्मा की शुद्धि का एक प्रोसेस है। और दूसरा, दिगंबर शास्त्रों में तप को डिफाइन करते हुए एक बात कही गई है कि आत्मविश्रांति तपः। आत्मा में जो विश्राम करना है, आत्मा में जो रहना है, तो आपको तपस्या करते रहना चाहिए। हम अगर खाना खाते हैं तो हम बाहर में बहुत एंगेज हो जाते हैं, खाना बनाना है, फिर उसको सबको खिला सर्व करना है, फिर सफाई करना है, बाहर से मार्केट से सब्जी लाना है, तो आत्मा को विश्राम नहीं मिलता है इन सब चीजों को करने में। दौड़ भाग बाहर की बनी रहती है, जितना आप खा भोग करते हैं उतना बाहर की दौड़ आपकी उतनी ज्यादा तेज करनी पड़ती है।
तो आत्मा को विश्राम नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता है। तपस्या करने से आत्मा को आराम मिल जाता है। जिस दिन उपवास करते हैं लगता है कोई काम ही नहीं है आज, तो टाइम ही टाइम है सब चीजों के लिए, और भोजन बनाना हो तो टाइम की कमी पड़ जाती है ना, कि अरे ये बनाना है, इतनी चीजें बनाना, इतना समय लगेगा। तो पहले से ही सब लोग प्लान करते हैं, एक दिन पहले हमारी गोश्ती भी लाना है तो पूछेंगे कि सम्मी जी हमारे एक सप्ताह पहले गोश्त पूछना शुरू करेंगे जिनकी एक सप्ताह के बाद में गोश्ती, क्योंकि उनको इतना सब कुछ मैनेज प्लान करना, सब चीजों को देखना है कि सबका टाइम फिक्स रखना है, अन्य चीजें भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए मेरे हाँ लिए करते हाँ तब आपको सोचना है कि अब लता जी को किस तरह से आपको विश्राम देना है हो तो प्लीज लेडीज ज्यादा तपस्या करते हैं यस मेन से, तो उनके लिए तो खाना बनाना ही पड़ता है। तो वेरी ऐसा है कि देखिए सब एक्सक्यूज एक्सक्यूज है, सही बात है, परंतु अब ये देखना जरूरी है कि जैन धर्म में धर्म की आराधना अपने ऊपर की जाती है, दूसरों को करवा के नहीं की जाती है। इन्हें दूसरा भी करे ये जबरदस्ती नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। सामने वाले की पुरुषों की बात इसलिए कि वो लोग ट्रेवल भी करते हैं, दूसरा बाहर के काम भी करते हैं, दौड़ भाग भी कुछ उनके लाइफ में रहती है। लेडीज यहाँ पर जो जॉब करती है उनकी भी वही लाइफ है, परंतु जो जॉब नहीं करते उनको एटलीस्ट घर में उनको रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। आवाज सिक्शन नहीं आ रही है, पूछ लीजिए। और आवाज आ रही है, मैंने पूछा था कि किया यहाँ का यहाँ पे तो ऑन होने से फिर नहीं। नहीं नहीं ये मेरे ख्याल से आवाज आ रही है ना सबको। मारो कौन आवाज आ रही है मेनका जी, हीना जी, कर हाथ करके नहीं आ रही है। हाँ नहीं चलिए, वो कह रहे हैं आवाज आ रही है, क्लियर है ना, इको तो नहीं है ना। नहीं हाँ वो कह रहे हैं इको नहीं हो रहा आपको, नहीं ना, आप लोगों को हो रहा है इको? ओके चलिए, तो आत्म विश्रांति तपः, आत्मा को विश्राम देना, आत्मा जो है अपने बारे में सोच सके, अपने लिए समय निकाल सके। पर बाहर के काम धाम से आपको छुट्टी मिले तब ना आप सोचे आत्मा के बारे में। तो तपस्या क्या है, एक प्रकार से आत्मा को विश्राम करने का अवसर मिलता है। आत्मा को तो मिलता ही है, शरीर को भी विश्राम करने का अवसर मिलता है, बॉडी को भी रेस्ट मिलता है। बॉडी की भी क्लीनिंग कब होती है, जब आप कुछ खाते नहीं हो तब बॉडी अपनी क्लीनिंग का काम करती है। रात में नहीं खाते हो तो रात में क्लीनिंग करती है, हमारे डॉक्टर साहब बैठे ही हैं, मालूम ही है किस समय हार्ट की क्लीनिंग चलती है, किस समय लंग्स की क्लीनिंग चलती है, किस समय किडनी की क्लीनिंग चलती है ना। एक डॉक्टर हमें मिली थी बैंगलोर की, और उसने कहा कि रात में जब हम भोजन नहीं करते हैं तब रात में हमारी बॉडी की क्लीनिंग शुरू होती है, और उसका टाइम रहता है कि किस समय किडनी की क्लीनिंग चलेगी, किस समय स्टमक की चलेगी, किस समय हार्ट की चलेगी, लंग्स की चलेगी, अदर पार्ट्स की चलेगी। अगर हम रात्रि में लेट भोजन करते हैं, लेट सोते हैं, देर तक टीवी या मोबाइल या कुछ भी देखते रहते हैं, तो बॉडी को विश्राम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, माइंड को विश्राम नहीं मिल रहा, तो क्लीनिंग की प्रोसेस में भी जो है गड़बड़ होती है। इसलिए टाइमली सोना, टाइमली खाना बहुत आवश्यक है। सूर्य सूर्यास्त से पहले अगर भोजन ले लिया जाता है तो 3 घंटे के बाद बॉडी की अपनी क्लीनिंग सिस्टम शुरू हो जाती है। जब आप रेस्ट करने लगते हो, नींद में रहते हो, तब बॉडी की क्लीनिंग स्टार्ट होती है। अगर टाइम से, तो अभी वर्तमान में बीमारियां होने का कारण क्या है, हार्ट अटैक होता है या ये किडनी फेल होती है, समय से पहले क्यों होती है, क्योंकि लोग रात देर तक काम करते रहते, उनकी बॉडी का सिस्टम ही गड़बड़ हो रहा है अंदर से भीतर से। आप इतने समय काम करते हो तो आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, तो बॉडी भी एक्टिव रहती है, सारे अंग भी एक्टिव रहते हैं, उनको टाइम ही उनको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा। तो आप ओवरलोड एक तो उनके ऊपर हो रहा है, ओवर वर्क ले रहे हो उनसे, तो वो टाइम से पहले जवाब देंगे नहीं देंगे। अगर आप टाइमली विश्राम करते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। हम लाडनू में रहते हैं, हमारे कभी कभी 30 30 सबनी जी हम वहाँ रहते थे, कभी 40 रहते थे एक साथ ही। हमारा एक वहाँ पे काम करने वाला था, क्लीनिंग करने वाला, तो उसका नियम था वो पंखे अगर कोई चल रहा है तो उसको टाइमली वो बंद कर देता था, और उसके कारण से हमने देखा कि 30 40 साल तक भी हमें कभी यह नहीं लगा कि कोई पंखा चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो टाइमली रेस्ट देता रहता था पंखे।
पंखे हमेशा काम करते रहते थे। जल्दी से 30-40 साल तक भी लगाने की कोई नया पंखा किसी ने फिट करके किया हो। यानी मशीन भी रेस्ट चाहती है, अगर उसको भी ओवर टाइम आप यूज करते हैं तो वो भी टाइम से पहले खराब होने, उसके पार्ट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारी बॉडी की बात है, तपस्या जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी की एक तो क्लीनिंग होती है, कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती है। अभी जिन्होंने भी तपस्या की तो उनके एक्सपीरियंस भी सुनते हैं, तो स्वेलिंग कम हो गई, इन्फ्लेमेशन कम हो गया, अदर चीजें जो है कम हो गई, इचिंग विचिंग कम हो गई, इस तरह की बॉडी में कम हो जाती है। क्योंकि आप जब भोजन निरंतर करते हैं तो बॉडी के अंदर जो विकार है वो बने रहते हैं, बॉडी हमारा केवल जो भोजन दिया गया है उसी को डाइजेस्ट करने में उसका एनर्जी लग जाती है, तो बॉडी की में जो विकार जमा हो रहे हैं जिसके कारण से ये सारे रिएक्शन हो रहे हैं उनको समाप्त होने का, उनको मिटने का कोई नाम ही नहीं होता उनका। बट जिस समय आप नहीं भोजन करते हो ये सब चीजें ठीक हो जाती, फिर वापस खाना शुरू कर दे तो फिर वो वापस टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो फिर चीजें प्रॉब्लम वापस हो सकती है, और कुछ कुछ लोगों को के लिए तो ठीक ही हो जाती है चीजें, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि भोजन नहीं करने से आत्मा का तो विश्राम होता ही है, आत्मा को अपने लिए सोचने का अवसर मिलता है, अपनी साधना के लिए अवसर मिलता है। भगवान महावीर ध्यान करते थे तो साथ साथ में उनका तप भी होता था, ठीक है ना। वो ध्यान के द्वारा ही एनर्जी इतनी ज्यादा मिल जाती थी कि उनको ज्यादा खाने आहार लेने की आवश्यकता महसूस नहीं की होती थी। बहुत कम दिनों में कहा जाता है बड़ी मुश्किल से उन्होंने पूरे 12.5 वर्ष की साधना काल में, गिनती के दिन है जो जब आहार लिया है उन्होंने, लगभग 11 साल या 12, 11.5 साल तक समझ लो वो भूखे ही रहे, बहुत कम टाइम उन्होंने आहार लिया। तो वो तो चलो तीर्थंकर है, हम तीर्थंकर की तुलना अपने से करें या ना करें, परंतु हमें उनसे ये सीखने की आवश्यकता है कि ध्यान के द्वारा बहुत एनर्जी हमको मिलती है, और जब ध्यान में जाते हैं तो अपने आप सहज तप भी हो जाता है, भूख लगती नहीं, तो आपके तपस्या की मतलब आहार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, एनर्जी सेव होती है मेडिटेशन में, आपका दिमाग आपके बॉडी जितना एक्टिव रहती है उतनी एनर्जी का लॉस होता रहता है, मेडिटेशन में एनर्जी का गेन होता है या सेविंग होती है। इस वजह से भी मेडिटेशन करने वालों को भूख कम लगती है, उनको फिर खाने की इतनी जरूरत भी नहीं रहती है। सो तपस्या के द्वारा आत्मा का विश्राम होता है, यानी तपस्या के द्वारा ध्यान साधना तप जप करने में आपको पूरा समय मिल जाता है। आप चाहें तो 3 दिन में 1.25 लाख का जप कर सकते हो। तपस्या करने वाले जो तेला करते हैं, अट्ठम का तप करते हैं, उन लोगों को बहुत 1.25 लाख के जाप बहुत कर लेते हैं 3 दिन, बस 2400 घंटे उनको जाप ही करना है दिन में रात में जितना हो सकता है। तो 400 400 माला एक दिन में फेर लेते हैं, और 1000 1250 माला फेरने की जरूरत होती है, उतनी माला पूरी हो तो 1.25 लाख का जप 3 दिन के अंदर हो जाता है ना, 3 दिन के अंदर हो जाता है। तो हम वर्ष भर में जो 1.25 लाख का जप नहीं कर पाते हैं, 3 दिन के तपस्या में इतना बड़ा जप का अनुष्ठान भी हो जाता है, और जप के द्वारा कर्मों का बड़ा निर्जरण होता है ना। अंतराय कर्म के शोधन के लिए मंत्र का जाप बहुत आवश्यक है और बहुत उपयोगी है ना। अंतराय कर्म, हम बहुत मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, किंतु सक्सेस नहीं मिलती है, तो उसका कारण हमारा अंतराय कर्म होता है मोस्टली। उस अंतराय कर्म को अगर आपको डिलीट करना है तो मंत्रों का जाप सबसे उपयोगी है, ठीक है ना। सो कहने का इतना ही मतलब है कि तपस्या के द्वारा हमें कितना एक सुंदर अवसर मिलता है अपनी आत्मा के निकट बैठने के लिए, है ना, आत्मा में रहने के लिए, उसके लिए तप और जप और ध्यान के प्रयोग करने के लिए हमें सफिशियंट टाइम मिल जाता है। हम हर वर्ष भर ना भी करें किंतु तो पर्युषण पर्व के दौरान जरूर हम तप करें, जिससे कि हमको 8 दिन में इतना बेनिफिट मिल जाता है जो वर्ष भर के लिए हमारे लिए बहुत फायदे की चीज होती है। सो तपस्या के यूँ तो भगवान महावीर ने 12 प्रकार बताए हैं, पर हम ये देख रहे हैं कि इन 12 प्रकार में प्रथम जो 4 प्रकार है वो या तो आप आहार का त्याग करें या फिर आहार का संयम करें। तो संयम के लिए उन्होंने कहा कि उनोदरी तप करें, यानी कोई पूरा तरह से भोजन उपवास नहीं रख सकता है, किसी को एसिडिटी होती है, किसी की शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, या किसी का कोई मेडिसिन चल रहा है, या उम्र के हिसाब से कुछ चीजें वो करना पॉसिबल होता है कुछ नहीं होता है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप कम खाना सीख सकते हैं, जितना आपकी बॉडी की जरूरत है उसमें भी थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा था कि आयुर्वेद के नियम के हिसाब से ये होता है,
कि आप जो है तपस्या करें तो उसमें हर दिन भूखा रहना संभव नहीं है, परंतु हम अगर भोजन भी करते हैं तो दो पूरे स्टमक को चार हिस्सों में बांटा जाता है, चार खन होते हैं ना, जैसे आपका बॉक्स होता है बच्चों का, आप नाश्ता डालते हैं तो बॉक्स में कुछ खन बने हुए थे, सो उसमें हम स्टमक को चार हिस्सों में बांटे, दो हिस्से केवल भोजन के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हमारे हवा के लिए होना चाहिए। भोजन पचने के साथ गैस भी क्रिएट होती है, तो गैस्ट्रिक के लिए भी स्टमक में जगह रहनी चाहिए, अगर वो नहीं रहती है तो फिर वो पेन होता है, अफारा होता है, दर्द शुरू हो जाता है। तो अगर हम आधा पेट भोजन कर रहे हैं, इसका मतलब हम उनोदरी तप कर रहे हैं, ठीक है ना, इच्छा पूर्वक, इसलिए नहीं कि हम जस्ट आयुर्वेद ने कहा इसलिए स्वस्थ रहने के लिए, नहीं, हम संयम करने के लिए, उतने से भी हमारा काम चलेगा, जितना कम हम भोजन करेंगे हमारी जरूरत के हिसाब से, बिल्कुल इतना भी कम नहीं करना कि हमको वीकनेस आ जाए, बट जो जरूरत है उस हिसाब से हम उसमें भी कुछ संयम करते हैं तो इससे भी हमारा स्वास्थ्य भी अनुकूल रहता है और साथ साथ में हमारा उनोदरी तप होता है। तो उनोदरी तप कहा जाता है, अनशन से बड़ा है, समझ में आया? आहार छोड़ देना इजी है, परंतु थाली पर बैठ करके दो फल की जगह डेढ़ी फल का खा करके उठना, या टेस्टी चीजें बहुत सारी बनी है उसमें से कुछ ही चीज को कि नहीं आज मैं दो ही चीज लूंगा या चार ही चीज लूंगा, ये बहुत कठिन है। आपके अंदर नियंत्रण इतना ज्यादा हो तभी आप उनोदरी तप कर सकते हो, नहीं तो सामने दिखा तो एक की जगह दो ही खाएंगे, छोड़ने की तो दो की जगह एक छोड़ने की बात नहीं सोचते तो ये गिव अप करने है, ये बहुत ही नियंत्रण चाहिए अपने लिए, है ना। तो रस का परित्याग कर देना, यानी टेस्टी चीजें हमारे सामने आ जाए और हम उस चीज उस कुछ को ना खाएं, ये तो बहुत ही नामुमकिन जैसी चीज है, बड़ा कठिन काम है, इसलिए उनोदरी तप को बड़ा तप माना जाता है। और ये कम खाने से, अभी मैंने बताया आयुर्वेद के हिसाब से अगर आधा पेट भोजन करते हैं तो ज्यादा आप स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादा आप एनर्जी गेन करेंगे। अगर आपने चारों ही खाने फुल कर लिए तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती है, अफारा हो सकता है, इनडाइजेशन भी हो सकता है, ओवर डाइट लेने से प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो वो खाना कितना फायदे का है ये आपको सोचना है, पर आधा खाने से तो फायदे का चीज है ही, ये तो निश्चित ही है। वृत्ति संक्षेप, अगर किसी से उनोदरी तप भी नहीं होता है, उनोदरी से वृत्ति संक्षेप उसके आगे का है, यानी आप भोजन करें और एक संकल्प लेकर के कि आज मुझे ये चीज नहीं खाना है, अमुक चीज नहीं खाना, आज स्वीट्स नहीं खाना या अदर चीज नहीं खाना है, तो कुछ इस तरह के संकल्प पूर्वक आप भोजन लेते हैं तो ये और भी कठिन तप है ना, कि आपके सामने चीजें हैं बट आप कह रहे कि नहीं मुझे आज इतने ही आइटम खाना है। तो वृत्ति संक्षेप जिसे कहा जाता है, अभिग्रह जिसको दिगंबर संत जो हैं जब कभी आहार लेने के लिए किसी कहीं भी जाते हैं तो वो अभिग्रह पूर्वक जाते हैं, उनका ये साइन होता है इस तरह से, है ना, जब तक उनका अभिग्रह फुल नहीं फलता है तब तक वो आहार ग्रहण नहीं करते, सारी चीजें उनके लिए हिसाब से सब कुछ तैयार है सब घरों में, किंतु उनका अभिग्रह होता है कि अमुक स्मिता और विकास भाई दोनों मिलकर के कहेंगे तो ही मैं पारणा करूंगा, और कभी विकास भाई अनुपस्थित हो गए, अपने आईटी काम में ज्यादा बिजी हो गए तो स्मिता के बोलने से वो पारणा नहीं करेंगे, है ना। तो सब कुछ अनुकूल होते हुए, भावना होते हुए, सारा पड़गाहन विधि जो भी करने के बावजूद भी वो तभी करेंगे जब उनका संकल्प पूरा होगा। तो इसलिए संकल्प, विशेष संकल्प पूर्वक आहार लेना ये बड़ा कठिन तप होता है। कई लोग जो हैं अभिग्रह करते हैं, तपस्या जब करते हैं तो अभिग्रह करते हैं कि अमुक व्यक्ति मुझे कहेगा या नौकार मंत्र की माला सुनाएगा या आगम की अमुक गाथा सुनाएगा तब मैं उसका पारणा करूंगा, ऐसे विशेष संकल्प किए जाते हैं उस संकल्प पूर्वक, और तब तक जब तक कोई नहीं बोलता है नहीं कहता है तब तक अपने ऊपर नियंत्रण रखना। तपस्या तो 8 की कर ली मैंने, 10 की कर ली, उसके साथ में ये अगर संकल्प पूरा नहीं हुआ तो मुझे आगे की तपस्या करनी पड़ सकती, तो ऐसा होता ही है। कई दिगंबर संतों में तो साधु संत जो है बहुत इस तरह का उनके मौका ऐसा आता है, क्योंकि हर समय अभिग्रह फल है तो आवश्यक नहीं है, उनका जो संकल्प है उनकी जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो ये आवश्यक नहीं है, तो नियंत्रण करना बहुत इजी बात नहीं है, बहुत कठिन है, परंतु वो बिना अभिग्रह के कोई आहार नहीं ग्रहण करते हैं। रस परित्याग, है ना, अब ये है कि रस का परित्याग, रस का मतलब है कि जो टेस्ट जिसके कारण से हमें टेस्ट आता है भोजन में,
और वो किस कारण से आता है? चीनी, दूध, दही, गुड़ है ना, घी, तेल और ये स्पाइसी जितनी चीजें होती है, मक्खन। नॉनवेज को भी महाविगे माना जाता है, मक्खन, नॉनवेज, हनी और शराब, ये महाविगे के अंतर्गत आते हैं। ये तो प्रोहिबिटेड है, इनको तो अवॉइड ही करना चाहिए। अब यहाँ तो बटर का सिस्टम है, वो लोग बहुत बटर खाते, मुझे मालूम नहीं जैन लोगों का क्या है सिस्टम, घर जैन लोगों में मैंने नहीं देखा इधर में ज्यादा बटर खाने का, बट विदेशी लोग तो बटर का और ब्रेड का इनका एक फूड ही है। बट जैन लोग जल्दी से अगर 48 मिनट्स के बाद का जो बटर है उसको जल्दी से अवॉइड करते, उसको महाविगे मानते। फ्रेश निकला हुआ है 48 मिनट तक, तब तक आप ले सकते हो, ठीक है? उसके बाद कहा जाता है 48 मिनट के बाद उसमें समुच्चिम जीव उत्पन्न होना शुरू हो जाए। घी निकल गया वो तो कोई बात नहीं है ना, किंतु अगर मक्खन सीधा ऐसे ही पड़ा है, आजकल फ्रीज में रखने से क्या होता क्या नहीं होता अब ये तो केवल ही जाने, क्योंकि ये अपने ज्ञान का विषय नहीं है कि उसमें जीव उत्पन्न होते नहीं होते। कुछ लोग फ्रीज के अंदर रख करके खाते हैं, और राजस्थान, हम जहाँ जिस राजस्थान में के जिस पार्ट में रहते हैं, थली प्रदेश, उसमें मक्खन का बड़ा प्रचलन है जैन लोगों में। मक्खन, परंतु उनका आदत है फ्रेश मक्खन खाने का ज्यादा, तुरंत निकाला हुआ मक्खन खाते हैं। और पंजाब हरियाणा में, पंजाब में तो मक्खन बहुत खाया जाता है, हमारे सरदार लोग जो हैं पंजाबी लोग हैं, इन लोगों का मक्खन का बड़ा, सुबह सुबह इनको मक्खन बहुत चाहिए, पराठे, मक्खन वगैरह। सो कहने का इतना ही मतलब है कि ये सब चीजें विगई मानी जाती है, और 48 मिनट के बाद वो एक तरह से महाविगई में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि विगई 6 प्रकार के हैं, दूध, दही, घी, तेल, गुड़, चीनी को एक समझना है, गुड़ चीनी साकर तीनों एक ही कैटेगरी है, और स्पाइसी जो थिंग्स होते हैं, और क्या बाकी रह गया, हो गया ना 6, हाँ 5 हो गए, और स्पाइसी थिंग्स जितनी भी तल करके, इन्हें आप पकोड़ी है, भुजिया है, और जो भी नमकीन से आप तेल में तल करके बनाते हो, वो सब चीजें स्पाइसी चीजें जो होती है, तेल तल करके जो बनाई जाती है ना, फ्राई चीजें हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो एक विगई माना जाता है। तो साधु साध्वियों के लिए, जैसे मान लीजिए कि कभी कोई रूल ब्रेक हो गया, तो उनको जब प्रायश्चित दिया जाता है जनरली, तो वो ये विगई वर्जन का ही प्रायश्चित दिया जाता है कि आपको 6 विगई नहीं खाना है, 5 विगई नहीं खाना है, अमुक इतने महीने के लिए आपको विगई का वर्जन करना है, ठीक है ना? तो इसलिए ये विगई वर्जन की बात कही जाती है। और विशेष रूप से अगर किसी का अगर इमोशंस अपने आप में कंट्रोल नहीं है, तो उसको भी विगई वर्जन का प्रायश्चित दिया जाता है, क्योंकि विगई से इमोशंस ज्यादा जनरेट होते हैं, है ना, इमोशंस स्ट्रेंथन होते हैं, इसलिए इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए भी विगई वर्जन किया जाता है। आप देखिए ना, इमोशन को कैसे आहार से भी कंट्रोल किया जाता है। तो ये मैंने बताया कि रस परित्याग, ये 6 प्रकार के विगय और 4 प्रकार के जो महाविगय है, वो तो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, शराब, मांस, मक्खन और शहद, है ना? तो दिगंबर ट्रेडिशन में मेरे ख्याल से शहद का मेरे ख्याल से बिल्कुल लोग प्रचलित यूज नहीं करते हैं, श्वेतांबर ट्रेडिशन में थोड़ा चलता है, शहद का प्रयोग चलता भी है, बट एटलीस्ट नॉनवेज और अल्कोहल, ये दो चीजें तो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, क्लियर? सो ये यहाँ समझना है कि ये जो प्रायश रस परित्याग है, ये भी एक बड़ा संयम है, बिना टेस्ट के चीजों को खाना, और एम्बिल के रूप में ज्यादातर ओलीजी के दौरान ये इस तरह का रस परित्याग की साधना ही की जाती है, जिसको ओलीजी तप के अंतर्गत एम्बिल कहते हैं। जनरली जो है एम्बिल का मतलब होता है एक ही प्रकार का अनाज खाना है, वो भी बॉइल्ड होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ग्रीन कोई चीज नहीं लेना है, वेजिटेबल्स कुछ नहीं लेना है, बॉइल्ड अनाज होना चाहिए, उसमें कोई सॉल्ट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होना चाहिए, जस्ट बॉइल्ड इन वाटर, ऐसा ही चीज, और वो भी एक जगह बैठ करके आपको लेना है। तो इससे भी इमोशंस बड़े कंट्रोल में रहते हैं, और एम्बिल तप का बड़ा प्रभाव है, बड़ी महिमा है, आप लोग सभी जानते ही हैं, द्वारिका जलने से बच गई थी इस एम्बिल तप के प्रभाव से, तो बड़े बड़े संकट जो है एम्बिल तप से टल जाते हैं। अन्य तो तपस्याओं से भी होता है ये काम, पर आयंबिल का बड़ा प्रभाव है इस मामले में। सो ये रस परित्याग और भी कठिन है कि आप खाने बैठे हो और आप बिना टेस्ट की चीजें खा करके उठ सकते हो, थोड़ा सा भी टेस्ट नहीं आया, घी प्रॉपर नहीं लगा फलके में, तो ये क्या घी है,
प्रॉपर तेल नहीं लगा, घी वो उसमें घी की मात्रा जो होनी चाहिए नहीं है। हमारे राजस्थान प्रदेश में घी और तेल ऐसे लबालब है ना, सब्जियों में पानी डलता ही नहीं हो, घी और तेल में ही सब्जियां पकती है, इसलिए वहां की सब्जियों को खाना बहुत भारी होता है, हैवी हो जाता है अगर आप ज्यादा मात्रा खा लो तो। उनके घरों में जाते तो हम देखते छोटे छोटे बर्तन में सब्जियां, मैंने कहा भैया इससे क्या होगा, एक घर वाले इतने कैसे खाएंगे, और हम लोगों को और बहराते हैं, परंतु इसलिए कि वो तेल और घी में पकती है तो ज्यादा आप खा ही नहीं सकते हो मात्रा। और चार चीजें बनाएंगे तो थोड़ी थोड़ी लेने से काम पूरा हो जाएगा। मिर्ची हाँ घी और मिर्ची मिर्ची। और मिर्ची तेज खाते हैं राजस्थान में, मारवाड़ मेवाड़ और थली प्रदेश में, परंतु थली प्रदेश की विशेषता ये है कि वो घी तेल में ही पकाते हैं, इसलिए मिर्ची तेज नहीं लगती, वो दब जाता है उसका चरपास। सो कहने का इतना ही मतलब है कि रस परित्याग, रस में मतलब घी तेल का अगर ऐड नहीं किया गया तो हमें वो भोजन नहीं पाता है, चीनी और गुड़ अगर इस तरह की चीजें जहाँ ऐड होनी चाहिए वो नहीं होती है तो हमें टेस्टी नहीं लगता है वो फूड। स्पाइसी चीजें भी हमें खाने को समय समय पर चाहिए, तो समय समय पे तो ठीक है, परंतु कहने का इतना ही मतलब है कि अगर डेली रूटीन में आप उन चीजों का उपयोग करते हैं तो वो भी सही, हमारे हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता है, क्योंकि घी की जरूरत भी हमारे शरीर में एक सर्टेन मात्रा में ही चाहिए। पूरा घी अवॉइड, आजकल तो वीगन के नाम से जो है घी को पूरी तरह से अवॉइड किया जाता है, बट आयुर्वेद का कहना है कि ब्रेन के लिए घी की भी रिक्वायरमेंट होती है, और हमारी बॉडी में जो ग्रीस चाहिए तो उसमें थोड़ा चिकनाहट तत्व अगर हमारे शरीर में नहीं जाता है तो फिर हड्डियां ड्राई होने लग जाती है और फिर वो आगे। तो अब ये देखते हैं जो लोग वीगन वाले हैं वो शायद दूसरा अल्टरनेटिव यूज करते हैं, नारियल का घी यूज करते हैं, अब मुझे मालूम नहीं लता जी क्या करते हैं, बट कहने का इतना ही मतलब है कि आयुर्वेद ऐसा भी मानता है कि बॉडी को ग्रीस भी चाहिए, चिकनाहट चाहिए, तो इस वजह से और ब्रेन को भी घी की रिक्वायरमेंट रहती है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। जितना त्याग करें उतना अच्छा है, हमारी बॉडी मान जाए तो अच्छी है, कहा जाता है शरीर को हम जिस तरह से ढालते हैं वैसे ही ढल जाता है, तो हो सकता है वो सूटेबल हो हमारे लिए, तो हमें रस परित्याग होता है। ये चार चीजें जो है आप ये देख रहे हैं कि इसमें तीन चीजों में आहार के संयम पर विशेष बल दिया गया, और आहार का संयम तो हम कभी भी कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं, किस रूप में करना है, रस परित्याग करना है तो आज मान लीजिए हमने घी छोड़ दिया, कल तेल छोड़ दिया, परसों चीनी छोड़ दिया, तरसों स्पाइसी चीजें छोड़ दी, 6 दिनों में 6 चीजें छोड़ दी है ना, तो रस परित्याग की साधना तो रोज ही हो सकती है। उन्नोदरी तप जो है वो भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, किसी दिन भूख लग गई तो खाना पड़ सकता है क्योंकि काम भी करना है ना, तो इसलिए आपको इधर उधर दौड़ना भागना है तो बॉडी की एनर्जी भी बनी रहनी चाहिए, एनी टाइम आप खाने के लिए नहीं आ सकते हो, जिस समय खा रहे हो उसी समय पूरा खाना जरूरी होता है, बट हाँ आप जैसा भी उचित समझते हैं अपने शरीर के हिसाब से अनुकूल जैसा पड़ता है, तो अगर हम आहार का संयम भी करते रहे बीच बीच में तो ये रोज का तप किया जा सकता है। वृत्ति संक्षेप जो है उसका भी थोड़ा बीच बीच में एक प्रयोग चलते रहना चाहिए, जब घर पे हो तो आप कुछ इस तरह संकल्प पूर्वक भी कुछ इस तरह का आहार संयम का प्रयोग कर सकते हैं, ये सब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अनुकूल है, प्लस हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, और आत्मा के शोधन में ये तप जो है निर्जरा का कारण कार्य करता है। और नेक्स्ट है काय क्लेश, यानी शरीर की को साधना, और इसको जो है एक तरह से कहा जाता है शरीर को एक तरह से साधना भी बहुत आवश्यक है, सर्दी गर्मी ठंड ये सब चीजें जो भी हमारे शरीर को प्रभावित करती है, और अगर हम शरीर को इस तरह से साध ले तो इन चीजों का हमारे ऊपर जल्दी से असर नहीं होता। स्थिरता हमारे शरीर की रहनी भी आवश्यक है जिससे कि हमारा मन भी स्थिर रहता है, हम प्रक्षाध्यान के जब भी प्रयोग करवाते हैं तो कायिक सर्वे का प्रयोग पहले करवाते हैं एंड देन हम जो है अन्य प्रयोग करवाते हैं, क्योंकि शरीर स्थिर नहीं है तो मन भी स्थिर नहीं होगा, और मन स्थिर नहीं है तो ध्यान नहीं हो सकता है, तो इसलिए बॉडी की स्थिरता भी बहुत आवश्यक है, और तो इसलिए बॉडी को थोड़ा साधना पड़ता है, कुछ इस तरह के एक्सरसाइज या आसन के प्रयोगों के द्वारा शरीर को साधा जाता है, शरीर पर नियंत्रण किया जाता है, और फिर वो व्यक्ति चाहे अब आपने देखा देखते होंगे अघोरी होते हैं कुछ कुछ, वहां बर्फ में जाकर के बैठते हैं ध्यान करते हैं, बर्फ में हिमालय के जहां तो दूर से भी ठंड इतनी लग जाती है कि कोई पास में नहीं जाए, वो उस बर्फ में बैठ करके करते हैं क्योंकि उन्होंने शरीर को इतना साध लिया कि उस बर्फ में भी उनका तो पसीना निकलता है बैठ करके, वो ध्यान कितनी गहराई में चले जाते हैं कि उनका पसीने निकलने लग जाते हैं,
बॉडी की इतनी सिद्धि कर लेते हैं, और ऐसा बॉडी साधने से ही ध्यान की गहराई में जा सकते हैं। नहीं तो थोड़ा इधर दर्द हो रहा है, उधर पैर जो है सुन्न हो गया है, कभी कुछ हो गया है, तो ध्यान में मन स्थिर नहीं रहता। अब जब ध्यान में स्थिरता नहीं आएगी, तब तक भीतर की गहराई भी नहीं आएगी। आत्मा में विश्रांति वाली बात या आत्मा का साक्षात्कार की बात कहाँ संभव होगी? हाँ, मन स्थिर हो तब ना आत्मा दिखे। तो कहा जाता है कि युवक जो है एक सन्यासी के पास में आया, और उसने कहा कि आपने आत्मा के बारे में बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया, पर मैं तो आत्मा को नहीं मानता, है ना, क्योंकि मुझे दिखाई तो देती नहीं। किसने देखा आज तक आत्मा को? तो अब सन्यासी ने कहा कि देखो, मेरा इतना अच्छा प्रवचन चल रहा था, सारे श्रोता बड़े मंत्रमुग्ध होकर के मुझे सुन रहे थे, और इसने ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया, लोगों के मन में ये होने लग गया कि ओ, ये तो इलॉजिकल है, अनसाइंटिफिक है ना। तो उसने सोचा कि अब कुछ तरीका तो सोचना पड़ेगा इस युवक के लिए। तो बोले, तुम क्या चाहते हो कि हमें आत्मा को दिखाओ? तो उसने उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा करो, पहले तो एक गिलास दूध लेके आ जाओ, थोड़ा दूध मेरे मुझे चाहिए। तो उसने सोचा दूध पीना होगा पहले सन्यासी को, फिर आंसर करेंगे। तुरंत उसने दूध का ग्लास जो है उपलब्ध करवा दिया, और वो सन्यासी इधर देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, चारों तरफ देखे। उसने कहा कि अरे क्या हो रहा है, आपने दूध मंगाया पीने के लिए, तो दूध पी करके उत्तर दो, आप इधर उधर क्यों देख रहे, कहाँ देख रहे हो? तो बोले, नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि इस दूध में घी है कि नहीं है। तो बोले, दूध से ही तो घी निकलता है, दूध में ही तो घी होता है। तो बोले, होता है, परंतु दिखता तो नहीं है, तो इसको कैसे माना जाए? तो उसने कहा कि इसकी प्रक्रिया होती है, क्या है प्रक्रिया? तो बोले कि पहले दूध को गर्म करो, फिर उसको ठंडा करो, फिर उसको जमाओ, फिर उसको मथो, उससे निकलने वाला जो मक्खन है, इस मक्खन को फिर तपाओ, तब जाके वो घी में के रूप में आपको दिखाई देगा। तो उसने कहा कि यही बात आत्मा के बारे में, आत्मा शरीर के अंदर है ना, जैसे दूध के अंदर घी है, और इस शरीर को जब तक तुम तपाओगे नहीं, तपस्या नहीं करोगे, तब तक जो है, और मन को जब तक जमाओगे नहीं, स्थिर नहीं बनाओगे, और आत्मा के बारे में चिंतन नहीं करोगे, तो आत्मा कैसे दिखेगी तुम्हें? मंथन करो, चिंतन मंथन भी करना जरूरी है, आत्मा के बारे में सोचना समझना भी जरूरी है, कि इसका साक्षात्कार मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या इसकी सही प्रक्रिया है, इसको समझना भी जरूरी है। तो ये करोगे तब ना आत्मा दिखेगी, या सीधा ऐसा दूध में है घी परंतु दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ऐसे ही आत्मा शरीर के भीतर तो है ही ना, तुम बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो? आत्मा की शक्ति से। सोच किससे रहे हो? आत्मा की शक्ति से। सुन किससे को सुन कौन रहा है? आत्मा सुन रही, डेड बॉडी सुनती है, डेड बॉडी सोचती है, डेड बॉडी चलती है, चलने लगे तो उसको भूत कहने लगेंगे लोग। समझ में आया ना? तो ये कौन कर रहा है सारा? आत्मा का एक्शन है। आत्मा नहीं तो आप आए कैसे यहाँ पर? सोचा किसने कि मुझे प्रवचन सुनना, क्यों सुनना है ये? किसने समझा ऐसा? डेड बॉडी तो आकर के हम बैठती नहीं है कोई प्रवचन सुनने। क्लियर? सो आपके अंदर जो लिविंग एंटिटी है, जो सोच रही है सब चीजें, उसको समझ में आ रहा है ये हमारे फायदे की चीजें, और वो आती है। अब शरीर के माध्यम से आती है, क्योंकि आत्मा अमूर्त तत्व है, उसको चलना, वो खुद स्टेटिक है। एक्चुअल में आत्मा में कोई एक्शन नहीं है, एक्टिविटीज वो नहीं करती है, मूवमेंट नहीं करती है, बॉडी के थ्रू करती है, ठीक है, कर्म के कारण से करती है। कर्म के कारण से जीव की ये गति होती है, ये सारी एक्शन रिएक्शन सब कुछ जो है कर्म के कारण होता है। इसलिए आत्मा को समझने के लिए, देखने के लिए, तुम्हें मन को एकाग्र बनाना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा, भीतर में थोड़ा डूबना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, उसको कंटम्पलेट करना पड़ेगा उसके ऊपर, तब जा करके उसका साक्षात्कार होता है। इतना इजी था तो भगवान महावीर को जंगलों में रह करके 12.5 वर्ष क्यों साधना करनी पड़ेगी? इतना इजी है आत्मा को देखना, तो महावीर जैसे को क्यों जाना, तीर्थंकरों को, भगवान ऋषभ को 1,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी, ध्यान करना पड़ा। 1,000 वर्ष, 1,000 वर्ष किसको कहते हैं? कितने जन्म हो जाएंगे हमारे? 10-15 तो जन्म हो ही जाएंगे इतने टाइम में, मनुष्य जन्म ले तो भी। सो कहने का इतना ही मतलब है कि तपस्या करना, और तपस्या जो है, और तपस्या के दूसरे अन्य प्रकार भी हैं, हायर जो है प्रायश्चित करना, गलती हो जाती है किंतु उसका प्रायश्चित करना जरूरी है ना। हम कोई नियम ले लिया और वो अगर हमने ब्रेक कर दिया कोई कारण से, तो उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। अपने आप मंदिर में जाके भगवान की माला फेर करके प्रायश्चित नहीं हो जाता है, उसको गुरु के सम्मुख जा करके
कि हमें हमारे से मिस्टेक हो गई, उसका हमें प्रायश्चित दीजिए। जब आप मुंह से बोल करके बोलते हो तो उसमें पता चलता है कि आपके अंदर में उसका पश्चाताप है। आधा तो कर्म जो है पश्चाताप से खत्म हो जाता है ना। आप अपने आप ही कर लोगे तो पश्चाताप कितना होगा पता नहीं चलेगा पूरी तरह से। एक शिष्य ने गलती कर दी और उसने कहा कि मुझे प्रायश्चित चाहिए, तो उन्होंने गुरु ने कहा कि ऐसा करो कि तुम अमुक गुरु के पास में जाओ, अमुक संप्रदाय के, वहां से जाके प्रायश्चित लेना। वहां गया तो उसने कहा कि तुम नहीं, तुम अमुक संप्रदाय के साधु के पास जाओ, वहां से प्रायश्चित लेना। ऐसे करके उसको 7 जगह घूम करके अंत में लास्ट वाले ने कहा कि तुमने गलती करी, तुम्हारे संघ के अनुकूल तुम्हें क्या प्रायश्चित मिलना चाहिए, तुम अपने गुरु के पास से जा करके लो। अब उसने कहा कि घटकुट्याम प्रभातम इसको कहते, घटकुट्याम दर्शन के क्षेत्र में, यानी जो आपका वो होता है ना टोल टैक्स वाला, कोई व्यक्ति जो था उसने गाड़ी लेकर के अपना माल लेकर जा रहा था, सोचा कि टोल टैक्स लगेगा, तो उसने दूसरा कोई रास्ता चुना। रात का समय था, टोल टैक्स वाला उसको देख नहीं पाएगा, ये सोच करके उसने दूसरे रास्ते से उस गांव में पहुंचने की कोशिश करी जहां उसे पहुंचना था, ताकि टोल टैक्स बीच में ना देना पड़े। परंतु सुबह देखा कि वो वही आके खड़ा जहाँ टोल टैक्स है ना। तो कहते हैं कि भाई तुम बचने के लिए इधर उधर घूमे, किंतु अंत में वहीं आना पड़ा जहां तुमको नहीं आना था। हाँ, तो लौट करके वहीं आ जाता। तो वैसे ही उस शिष्य की बात हुई, तो गुरु ने कहा कि भैया तुम जा करके अपने ही गुरु से प्रायश्चित लो, हम कैसे तुम्हें दे सकते हैं। तुम अपने अपने ट्रेडिशन के कुछ नियम होते हैं, उस नियम के हिसाब से तुम्हारा प्रायश्चित होता है, तुम अपने गुरु है। तब जब वो गुरु के पास में आया और उसने कहा कि आप मुझे प्रायश्चित दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है अब मैं तुम्हें प्रायश्चित दे सकता हूँ। तो बोले अरे जब आप दे सकते तो मुझे इतना 7 जगह क्यों घूम पाया। तो बोले कि इसलिए कि तुम बोलो अपनी गलती को इतने लोगों को जा जा करके, इससे तुम्हारा प्रायश्चित तो हो गया। बोले है ना, इतनी जगह तुमने जब अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, अंदर से रियलाइज किया, इसी से तुम्हारे कर्म समाप्त हो गए, तो मैंने वो प्रायश्चित ही दिया था एक तरह से तुम्हें। सो कहने से उसी को कहते हैं कि भई मैंने नामी गरिहामी अपानम बोसिरामी, अपनी निंदा करो, स्वयं की निंदा, औरों की नहीं, खुद की निंदा करने से कर्म समाप्त होते ही, स्वयं की गरहा करने से, गुरु के सम्मुख जाकर के अपने दोष बताने से आधे दोष उसी से समाप्त हो जाते हैं। थोड़ा बहुत तो प्रायश्चित रूप में कुछ तप देते हैं, उसको करने से बाकी के कर्म भी समाप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से तप के अनेक प्रकार है। तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। तो इसी के अंतर्गत विसर्ग को ही त्याग कहना चाहिए, कि त्याग, आज का दिन हम त्याग के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, अब समय चूंकि संपन्न हो चुका है। तो त्याग का मतलब ये है कि हम जो चीजें हैं हमारे पास में उनका भी हम त्याग करना, विसर्जन करना सीखे। अर्थ का संग्रह तो हम करते हैं हमारी आवश्यकता के हिसाब से, किंतु अगर आपके पास अतिरिक्त है तो उसको गिव अप करना भी सीखे। हम अगर संग्रह ही करते रहेंगे, संग्रह करते रहेंगे, तो विषमता, सामाजिक विषमता भी क्रिएट होती है और उससे सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है। प्लस जितना हम संग्रह करते उतना हमारे अंदर ईगो और अटैचमेंट भी बढ़ता है, इसलिए गिव अप करना भी बहुत आवश्यक है। तो हम त्याग करना सीखे, हमारे पास जो चीजें हैं उनका जरूरत नहीं है उनका त्याग कर सकते हैं, अतिरिक्त है उसका भी हम त्याग कर सकते हैं। तो वे विसर्जन या त्याग करना भी एक धर्म माना गया है। और भगवान महावीर ने कहा कि वे त्याग उसको नहीं कहते कि तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है और इसलिए तुम त्यागी हो, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुम इच्छा पूर्वक उनको त्याग करते हो, उनको छोड़ते हो, तो ये त्याग कहलाता है। सेहु चैति उच्चई, है ना, साहिने चई भोए सेहु चैति उच्चई। जिनके पास में चीजें हैं, संपन्नता है, सब कुछ है, और वो फिर इच्छा पूर्वक किसी चीज का त्याग करता है, तो वो सच्चे अर्थ में त्याग कहलाता है। जिसके पास चीज ही नहीं और वो कहे कि मैं त्यागी हूं, तो कोई त्यागी नहीं कहलाता, वो तो अभावग्रस्त आदमी है ना। पर हाँ, मन से त्याग होना जरूरी है। चीज है या नहीं है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, चीज है कि हमारे अंदर वो चीजों का त्याग करने का, उसको छोड़ने का भाव पैदा होता है, तो ये त्याग धर्म कहलाता है। इसके बारे में अब विस्तार से जब चर्चा करेंगे तो कभी प्रसंग बस करेंगे। आज का हमारा समय संपन्न हो गया है। सो मंगल पाठ सुनाए, या किसी के कोई क्वेश्चन है। अभी हाँ, तो इसको भिक्षाचरी भी कहते हैं। अपन जो है, हम 25 बोल का, हम लोग जो है दिगंबर में वृत्ति संक्षेप शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है, श्वेतांबर में भिक्षाचरी शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है। मीनिंग एक ही है, अभिग्रह करना, संकल्प करना, आहार संबंधी विशेष संकल्प करना, उसी को नाम कहते हैं।
ठीक है। हाँ करते हैं कोई, और उसमें बीच में थोड़ी देर रुकावट होती है, फिर से तप करते हैं, तो उसमें क्या उस तप का अभाव कम होता है? कैसे जैसे। जैसे मैंने तप किया, हाँ उसके बाद फिर थोड़ी देर रुकावट आई है, फिर रुका, महावीर स्वामी ने तप किया था, उसके बीच में उन्होंने 2-3 बार आग्रह किया था, तो उससे उससे तप का फिर कम होता है? तब का कम होने का कोई बात नहीं है। मूल बात यह है कि तपस्या कोई ये तो होता है ना कि आप लाइफ लॉन्ग तपस्या में ही करेंगे रहेंगे तब तो शरीर टिकेगा नहीं। बीच बीच में थोड़ा बहुत आहार की जरूरत पड़ेगी, जब लगता है कि बॉडी बहुत ही वीक हो गई है, अब आगे का तप भी नहीं हो सकता उससे, तो उस कंडीशन में शरीर को थोड़ा सा ताकत जो चाहिए वो दी जाती है, उसके लिए आहार ग्रहण किया जाता है। किंतु तो बाद में फिर और तप के अनुष्ठान आप आगे के कर सकते हैं, तो उससे कुछ भंग कुछ नहीं होता है। तप के अनुष्ठान भी जो किए जाते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं। उपवास करना है तो आपको 24 या 36 घंटे जो है आहार पानी का त्याग करना है, ये थोड़ा ना कि लाइफ लॉन्ग करना है आपको। क्लियर। सो इसी तरह से बड़े तप जो किए जाते हैं, सब गुण संवत्सर तप किया जाता है, तो उसके भी 75 डेज करीबन उसमें होता है कि फास्टिंग, इतनी फास्टिंग होनी चाहिए, बीच बीच में उसमें पारणा भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कंटिन्यूअस कोई तप नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो तप के अनुष्ठान इसलिए नहीं कि भाई आपको बिल्कुल सब कुछ गिव अप कर देना, तो फिर तो शरीर धारण करना भी संभव नहीं होगा ना। शरीर को इसीलिए रखना जरूरी है कि हमारे जो कर्म है उनको नष्ट करने के लिए हम जो तप करना चाहते, जप करना कर चाहते, ध्यान करना चाहते, स्वाध्याय करना चाहते, तो थोड़ा बहुत आहार ग्रहण करना भी आवश्यक होता है, जिससे कि हम उस शरीर से वो सब कुछ कर पाए। अगर शरीर ही ना ही रहा तो हम तप कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अभी सपोज एक हमारे साध्वी जी, अभी 6 साल उन्होंने साध्वी जीवन में वो रहे और 46 डेज का उनका अभी तप चल रहा था, 41 का उनको करने का या 53 करने का उनका सोचा हुआ था, पर 46 में ही उनको काल धर्म को प्राप्त हो गए, ठीक है ना। तो ओवर बॉडी को अगर आप स्ट्रेच करोगे तो वो गिव अप करेगी ना, आप समझ में आया ना। उसकी भी अब बॉडी क्या है, फिजिकल बॉडी है, इसलिए इसको हिंदू धर्म में कहा जाता है अन्नमय कोष कहा जाता है। ये इसको अन्न चाहिए, इसकी ताकत को, अगर आपको एनर्जी को बनाए रखना तो इसको आहार चाहिए, तो इसको एकदम पूरा आप गिव अप कर देंगे तो ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकती, ठीक है ना। तो आपको अभी आप इसी जन्म से मोक्ष जा रहे हो, सारे कर्म आपके नष्ट हो गए, तो कोई बात नहीं, गिव अप कर दीजिए, बॉडी अपने आप ही गिव अप हो जाएगी, ठीक है ना, उस कंडीशन में। बट अगर आपके कर्म बाकी हैं तो कर्मों को नष्ट करने के लिए साधना करना है, तो शरीर को थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन भी देना पड़ता है, ताकि इसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा तप का अनुष्ठान करके अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। तो साधु जीवन में आहार लेने का प्रयोजन यही बताया जाता है कि आहार इसलिए लेना है कि तुम अपनी साधना कर सको, जितनी ज्यादा साधना आप कर सको, तो शरीर में थोड़ा बहुत जरूरत है, कि बिल्कुल एकदम कमजोर है व्यक्ति भी जो है, या भूखा है और मन नहीं लग रहा साधना में, तो मतलब नहीं है। तो थोड़ा बहुत अपना आहार ले लिया, उसके बाद अपनी साधना करो जितना कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्रेक्षा हाँ, प्रेक्षा मेडिटेशन करना है सबको, ठीक है। तो बैठिए, आंखें कोमलता से बंद, पेट की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, महाप्राण ध्वनि के साथ हम ध्यान का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे, श्वास भरेंगे, गले से भवरे की तरह गुंजार करते हुए ब्रेन में उसके वाइब्रेशन को फील करेंगे। शांत, पूरे शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखें।
अपने चित्त को कंठ में केंद्रित करें, कंठ में, गले में, गले के भीतर देखें, जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव करें। कंठ की स्थिरता से पूरा शरीर और मस्तिष्क जो स्थिर होने लगता है। कंठ को रिलैक्स करें, ऑटो सजेशन दें, कंठ भीतर से रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करिए, पूरा कंठ भीतर से रिलैक्स हो चुका है। अब अपने चित्त को श्वास पर केंद्रित करें, श्वास को देखें, आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें। श्वास आत्मा से जुड़ने का एक डायरेक्ट सोर्स है, आत्मा ही श्वास लेती है। आते जाते प्रत्येक श्वास को ध्यान से देखने का प्रयास करें। बाहर आते हुए श्वास को देखें, भीतर जाने वाले श्वास को देखें। सहज जो श्वास चल रहा है उसे केवल देखते रहें। भीतर जाने वाले श्वास के साथ भीतर जाएं। श्वास को लंबा करें, जितना लंबा श्वास ले सके लेने का प्रयास करें। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें, पूरा ऑक्सीजन लें, पूरा कार्बन बाहर निकालें। दो ओम की ध्वनि के साथ ध्यान का प्रयोग संपन्न करें। श्वास भरें,
ओह प्रयोग संपन्न नमः स्वामी समली जी, बहुत अच्छा करा है ध्यान तपस्या में ध्यान अच्छा लगता है। हाँ वंदामि भगवान, नमः स्वामी समली। हाँ कानमल जी, भगवान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते थे कि जैन लोगों ने तपस्या पकड़ ली और ध्यान छोड़ दिया। भगवान महावीर ने तो ध्यान को करने के लिए तपस्या की थी। तो कहते हैं ना, एक विदेशी भारत आया, उसको गांव के लोगों ने रोटी दी हाथ में, क्योंकि गांव के लोग हाथ में ही रोटी खाते, तो वहां रोटी के साथ में सब्जी ऊपर रख करके दे दी। तो उसने सोचा कि ये नीचे की तो प्लेटें और ऊपर का खाने की चीजें, तो उसने सब्जी खा ली और रोटी फेंक दिया। तो ऐसे ही है कि जैन लोगों ने जो नीचे का था ना, उसको वो था ध्यान, बेस मूल तपस्या के पीछे कारण था ध्यान, तो उसको तो फेंक दिया और केवल तपस्या पकड़ ली। तो वो भी अच्छी है, वो भी उत्तम है, वो कोई कम नहीं है, वो भी हर कोई नहीं कर सकता है, किंतु तो साथ साथ में अगर ध्यान कर रहे तो बहुत निर्जरा हो जाती है कर्मों की, डबल और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। बहुत लाभ होता है उससे। तो इसलिए ध्यान कर, तपस्या के साथ ध्यान करने से तपस्या भी इजी हो जाती। तपस्या कर लेते और घर भर के काम उसी दिन निकाल करके कि चलो अब टाइम मिल गया तो सारे दूसरे काम प्रणाम हाँ, विकास व्योम स्वामी जी। हो, हमारा व्योम देखो हाँ एनी टाइम अवेलेबल रहता है प्रवचन सुनने के लिए, 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जब भी। वेरी क्यूट। 4 साल का करीबन समझ लो पूरा भक्तावत से वंदामि सीखा है, अप्रतिक्रमण सीखा। नमः स्वामी समझ। इसको तो साधु ही बनाना है। वंदामि हाँ नमः भाई, स्वामी जी। अच्छा सातवां वर्ण पंखे वंदामि साथ नमः स्वामी जी। शीतल में तृप्ति, यस सुनीता चांदमल जी, ओके ठीक हाँ है। वंदामि सत्यं नमः स्वामी जी। हंसा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुण्यतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोकोत्तमा, हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुण्यतो धम्मो लोकोत्तमा, चत्तारी शरणं पवच्चामि, अर्हन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहु शरणं पवच्चामि, केवली पुण्यतं धम्मं शरणं पवच्चामि। वंदामि नमः स्वामी जी। वंदामि नमः स्वामी। वंदामि नमः स्वामी। वंदामि नमः स्वामी जी। ठीक है, बहुत अच्छा। कल कल लास्ट लेक्चर है, तो कल कितने बजे रखना है? रात रमणी जी को, 8:30 बजे, ठीक है। तो कल का लेक्चर रात को 8:30 बजे है, या ये सैटरडे संडे लोग दोपहर में अवेलेबल थे इसलिए दोपहर में रखा, किंतु कल का लास्ट लेक्चर है। दो धर्मों की चर्चा जो बाकी है वो हम कल करेंगे, रात को 8:30 बजे।